क्या बात है। ओ भाई अच्छा जो मेरे लाइक तुमने कर दिया। फ्रॉम रामेश्वर हर हर महादेव। तो आज है हमारा ट्रिप का डे थ्री। अभी हम निकल रहे हैं रामेश्वर से टूवर्ड पौंडीचेरी। बस रूम को चेकआउट कर रहे हैं और चलो भाई आपके भरोसे अभी चलो निकल चलो जाने दो। जय माता जी। तो रामेश्वर में हम रुके थे इस वाले होटल में, होटल आकाश रेसिडेंसी। सो ये होटल आपको आना है तो आ सकते हो भाई, कुछ पेड प्रमोशन नहीं है। रूम अच्छे थे और सबसे बढ़िया तो पार्किंग था, क्लोज पार्किंग। चलो जाने से पहले पेट पूजा कर लेते हैं यहाँ पे। चलो भाई आ गई फिल्टर कॉफी। तो यहाँ पे रुके तो थे हम नाश्ता करने के लिए इस जगह पे। शाम को मस्त नाश्ता मिल रहा था, अभी लगा सुबह भी मिलेगा, बट सुबह इतना कुछ खास नहीं था। तो अभी रास्ते में हाँ उसी तरफ जाने का है हमको। तो रास्ते में अभी ढूंढे के बस कॉफी पी ली यहाँ पे, अच्छी थी कॉफी। तो कल ये वाला टावर वो देख रहा था ना दूर से, रेडियो टावर है या क्या है, जियो का टावर है ये। जय जियो जय जियो जय अंबानी, फ्री में 5G देना। यहाँ पे 5G सच में आ रहा है। ये पहली बार देखा है जो बोलता है पेट्रोल पेट्रोल पेट्रोल। तो यहाँ से अभी पेट्रोल भरवाया हमने 2010 104 रुपए पर लीटर का। और हमने यहाँ से फुल टैंक नहीं करवाया क्योंकि हम पौंडी जा रहे हैं, वहाँ पे 10 रुपया सस्ता है। यहाँ से यहाँ पे 104 है, वहाँ पे 96 है। 8 रुपया हुआ ना। तो मोबाइल नॉट अलाउड यहाँ से लिखा ही हुआ है और ये कल हमसे नहीं हो पाया था। हाँ यहीं पे रख देना भाई। ये है APJ अब्दुल कलाम का मेमोरियल। सॉरी बाहर से ही दिखाएंगे, अंदर तो मोबाइल कैमरा अलाउड नहीं है। भाई अंदर तो वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउड नहीं था, बाकी मैंने इन दोनों को बता दिया था कि याद कर लो लास्ट में एग्ज़ाम लेने वाला हूँ कि क्या क्या देखा आपने, तो एटलीस्ट आपको भी पता लग जाए कि म्यूज़ियम में क्या क्या चीज़ें हैं। चलो बॉयज रेडी फॉर एग्ज़ाम, गाड़ी में होगी। फोटो ले लेते हैं। तो म्यूज़ियम में तो वीडियोग्राफी फोटोग्राफी कुछ अलाउड नहीं था, तो मैंने एक टास्क दिया था इन दोनों को, जो भी देखो याद करना, लास्ट में मैं एग्जाम लूंगा। तो एटलीस्ट आपको पता लगे कि म्यूजियम में क्या है। तो जैसे ही आप म्यूजियम में एंटर होगे, पूरे APJ अब्दुल कलाम के 15 अक्टूबर 1931 से लेके 27 जुलाई 2015 तक पूरी अपनी लाइफ की जर्नी का, हाँ मतलब ये म्यूजियम में वही है, पूरी लाइफ जर्नी का जो जो उन्होंने हासिल किया सब कुछ है। तो पहले एंटर हो गए तो उनके सारे सर्टिफिकेट है। दूसरे हॉल में वैक्स स्टैचू है। आपको ऐसे ही लगेगा कि ये रियली अभी कुछ बोलेगी, अभी कुछ बोलेगी, इतना रियलिस्टिक है। क्या बोलती पब्लिक, आपका क्या एक्सपीरियंस था? बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था। और आपने क्या देखा म्यूजियम में ये बताइए मुझे। मैंने तो यहाँ पे अब्दुल कलाम की जो पूरी उसका जन्म से लेके उसकी जो डेथ हुई उसकी पूरी उसमें डिटेल लिखी हुई है, उसके उसकी ग्रेव यार्ड है और उसकी जो पूरे लाइफ कार्ड में उसने जो भी अचीवमेंट हासिल किए वो सभी उसके मेडल्स है, जैसे कि ट्रॉफीज है, सब कुछ वहाँ पे मेंशन किया हुआ, वहाँ पे पब्लिश किया हुआ है जो मेमोरियल के हिसाब से, तो आप वो सब देख सकते हैं। और मैंने वो भी सब देखा जहाँ पे उसकी डेथ हुई थी जो शिलोंग में था, वो उसका पूरा डिटेल दिया वहाँ पे। अलग अलग वेस्ट में म्यूजियम में अलग अलग वेस्ट स्टैचू है, क्या किया था, कैसे मिले थे, सब बड़ी बड़ी हस्तियों से मिले थे, हर जगह सब तो मिला हुआ है वहाँ पे, तो आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। और हाँ उनकी जो लास्ट जर्नी थी शिलोंग की, वहाँ पे वो क्या क्या लेके गए थे वो सारा अभी उन्होंने इस म्यूजियम में रखा हुआ। लैपटॉप, डायरी,
कपड़े, उसके कॉम, हाँ सब कुछ, कॉम वगैरह सब कुछ। और एक बुक थी जो अपने साथ वो लेके ट्रैवल कर रहे थे, उसका नाम क्या था? द पर्पस ऑफ नोबल। अरे याद रहेगा, इसने डिटेल में देखा है। अभी अमित की बारी है, मेंटोस जिंदगी पता नहीं उसने क्या देखा। भाई तूने क्या देखा? जब वो शिलोंग से उनकी डेथ हुई थी ना, उसका जो मेमोरियल में उनकी समाधि रखी हुई है, और जो डीआरडीए के साथ जो उन्होंने जो मिसाइल वो सब जो बनाया है ब्रह्मोस, जैसे कि हाँ पीएसएलवी, जीएसएलवी, ब्रह्मोस मिसाइल, फिर वो टैंक कौन सी थी उसका नाम पता है? नहीं टैंक का नाम नहीं पता, नाम मैं भी बोल गया। लेकिन वो टैंक है ना, इंडिया पाकिस्तान वॉर में यूज हुई थी उस वो टैंक, अर्जुन टैंक। इसने पूरा, इसने पूरा डिटेल में देखा है भाई, तुझे 10 में से 10 एग्जाम में इसको 5। मैंने बोला तो तुझे कि अर्जुन ने बहुत बढ़िया काम किया था वहाँ। लेकिन जो अब्दुल कलाम हाउस और ये जो मेमोरियल में उनका जो ट्रॉफी वो सब रखा है ना, वो असली कौन सी है और नकली कौन सी है कुछ मालूम नहीं, नकली है या नहीं क्या मालूम नहीं। क्योंकि पद्म भूषण जो अवार्ड मिले थे, भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, वो सेम हमने कल उसके हाउस में भी देखा। हाँ। और मेमोरियल में भी है, तो पता नहीं कौन सा असली है। मुझे लग रहा है हाउस वाला असली है या फिर मेमोरियल वाला, डोंट नो। और भाई नो टिकट कुछ नहीं है, बट फोन मोबाइल कैमरा कुछ अलाउड नहीं है, टिकट नहीं है, और क्लीन इतना मेंटेन करके रखा है, 6 साल हो गए। कब ये इनॉग्रेट हुआ था? 27 जुलाई 2017 में मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था ये मेमोरियल हाउस। सच्ची में आप एक बार जाके आओ, देखे आओ, इतना क्लीन आपको लगेगा कि कोई आप दूसरी कंट्री के ऐसे म्यूजियम में घूम रहे हो। सच्ची में बहुत ज़्यादा मेंटेन करके रखा है। तो आ रहे हो रामेश्वर तो जाना बनता है। अभी बढ़ते हैं आज की आगे की जर्नी पे। तो अभी हम पहुंच चुके हैं पावन ब्रिज, लेकिन यहाँ से अभी रेल नहीं गुजर रही। अगर ट्रेन निकलती तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे रेलवे ट्रैक, यहाँ पे है, तो ये ब्रिज की वजह से नहीं दिखेगा, साइड से दिखेगा, आगे से दिखेगा, दिखाते हैं। किसी को कोई चोट नहीं लगी, लेकिन अच्छा खासा दिया भाई, दोनों गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी अच्छी थी, किसी को भी कुछ नहीं लगा। सो ऑलवेज वियर ये सीट बेल्ट। तो दोपहर के कितने 2:48 पे लिया गया है खाने के लिए ब्रेक। यस चाचा, अच्छे से पार्क कर दी हमने गाड़ी। अभी हम मंगवा रहे हैं, क्या मंगवाना है रे? मिल्स ना, और सूरज के लिए बेबी मिल्स। हाँ छोटी होगी तो चलेगी, बेबी भी मिल्स खाने वाला, इससे भी ज़्यादा भूख लगी तो नहीं। अमित का डिश आ गया मिल, अभी देख हमारी अच्छी है ये तो हैप्पी हो गया रे। यहाँ का खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी है, तो ब्लॉग तो कंटिन्यू करेंगे खाने के बाद ही, इतना ज़्यादा टेस्टी है। कहाँ पे रुके वो बाद में दिखाते हैं, या फिर हम ज़्यादा भूखे इसलिए टेस्टी लग रहा है, वो भी सकता है। तो पूरू करिए, बद्दू पूरू करिए।
सची में बहुत ज्यादा ही डिलीशियस फूड था यहाँ का, ये अभी तक खा है। तो अगर आप भी आ रहे हो इस रास्ते पे तो अच्छी खासी हमारी जैसे भूख लगी है तो इस वाले रेस्टोरेंट पे आना जरूर भाई। सची में सबसे बेस्ट इस ट्रिप का फूड हमें वहाँ पे लगा, क्या दबा के खाया है इसने, तो दो बार राइस मंगवाए थे एंग्री बर्ड बन गया था, इसका खाना जब तक नहीं मिलता ना जब तक इसका दिमाग नहीं पहले चलता, ये वो होता है वाला अपना, ये क्या मोटू पतलू जैसा है, पतलू खाली पेट मेरी दिमाग की बत्ती नहीं जलती, समोसा खिलाना पड़ता है इसको। बाय द वे थोड़े ही टाइम पे हम अपने रूम पे पहुंचने वाले, मतलब मेरे रूम पे, उसके बाद वहां से मैं पिक करूंगा अपनी बाइक और जाएंगे हम पौंडीचेरी, क्योंकि नेक्स्ट डेस्टिनेशन है अपना पौंडीचेरी। तो भाई लोग अभी हम मेरे रूम पे पहुंच गए और मैंने उठा लिया है वैनम को रूम से और वो दोनों को मैंने आगे भेज दिया टूवर्ड पौंडीचेरी, तो आगे ही कहीं पे हो गए। मैं थोड़ा सा कुछ शॉपिंग करना था हमें, तो उसके लिए मैं अभी थोड़ा सा पीछे रह गया। चलो तो फाइनली पौंडीचेरी में हम लोग पहुंच चुके हैं, हमारी गाड़ी आगे जा रही है, वो दोनों अभी बोर हो चुके हैं। अरे भाई आगे आ रहा हूँ, मुझे आने के मौका तो चाहिए, इस तरफ ले, इस तरफ उस तरफ मत जा रहे, अरे तेरी तो क्या बताया तुझे, इस तरफ ले, राइट ले, राइट। अबे कब से बता रहा हूँ तू राइट ले, राइट ले, चल ले ले, अभी मैं रोकता हूँ ट्रैफिक को, ले ले ले। ट्रैफिक की वजह से सबकी बत्ती गुल हो गई है अभी तो भाई फाइनली पौंडीचेरी पहुंच गए और पौंडीचेरी का फर्स्ट एक्सपीरियंस बताएंगे सूरज। ये इसको इसको छुपा देते ये नंगू पंगू बैठा है। हाँ सूर्य क्या हाल हुआ तेरा, मेरी हालत देख क्या लगता है बजी पड़ी है सूर्य इसको छुपा दिया। और हाँ ये जो हमारे फ्रेंड बाकी रह गए थे वो आ गए और ये खाना भी आ गया, अभी खा के सो जाएंगे भाई, थक गए सच में। अमित नंगू पंगू है सो बस गुड बाय, मिलते हैं कल, कल मजा आएगा, बाय बाय। मैंने तो वहाँ पे